हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हर जानकारी आपको देने वाले हैं। आपको पता है कि डेली हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर कुछ ना कुछ नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, नई नई जो नोटिफिकेशन है वो आते रहते हैं। तो आज का बड़ा अपडेट आपको बताने वाले हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का अपडेट क्या रहेगा। जिसने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर आज तक अपना फॉर्म भर रखा है किसी भी कैटेगरी के अंदर, किसी भी टाइप का कोई भी वैकेंसी का, तो सभी अपना स्कोर कार्ड कैसे नई पुरानी जो भी भर्तियों के आपने अप्लाई कर रखे हैं कैसे चेक करते हैं, वो चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, बताएंगे पूरा डिटेल से। अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम का फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी कि स्कोर कार्ड के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण चीजें रहती हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड के बिना आपका सिलेक्शन प्रक्रिया है वो आपको पता नहीं चल पाता है कि आपके कितने नंबर थे, कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है। तब आप वहां पर कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है, भर्तियों को पारदर्शी तरीके से नहीं करवाया जा रहा है, धांधलियां चल रही है, इस प्रकार के जो भी मैटर आप सभी के सामने आ रहे थे पिछले दिनों में, उन सबको क्लियर करने के लिए हरियाणा सरकार ने इसके अंदर एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, एक ऑप्शन लगा दिया कि टेंटेटिव स्कोर, कि आपका स्कोर फिलहाल इतना जुड़ रहा है, अगर इतना नंबर होगा तो आपका सिलेक्शन होगा, ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ये भी चीजें बताएंगे कि आपके नंबर कितने होने चाहिए कौन सी भर्ती के लिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का अंदर कोई भी फॉर्म भरता है तो उसको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, पूरा अपडेट करेंगे। अगर भाई और बहनों, आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर कोई हरियाणा कौशल रोजगार निगम का फॉर्म आपने लगा रखा है भविष्य में किसी भी भर्ती का, अगर उसका कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही उस भर्ती से रिलेटेड, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। जो भी आपका डाउट है, जो भी आपके कौन सी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, उसको पूरा लिखना और आपको पूरा डिटेल से नोटिफिकेशन देंगे, पूरी जानकारी देंगे। अगर कोई हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज करना चाह रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे आप टेलीग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। नहीं तो अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। सुबह शाम दोपहर रात कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन, सबसे पहले जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं और हर एक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए एक बार मैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो अपडेट आ रखा है एक बार आपको दिखाता हूं, बताता हूं, डिटेल से समझाता हूं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके मेरे भाई और बहनों, को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा ये पोर्टल, तो आपको पता होगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जब वेबसाइट पर आप जाते हैं तब आपके सामने खुलकर आता होगा। जब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप सभी चीजें डालते होंगे तब आपके सामने आपका एप्लीकेशन टाइप का इस टाइप से सारा खुलकर आ जाता होगा। फाइनल सबमिट दिखाएगा, कौन सी भर्ती के लिए अपडेट कर रखे हैं, नाम वगैरह सब चीजें दिखा देगा। फिर इसके अंदर दिखाएगा एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस में आप जाएंगे तो अगर आपका एप्लीकेशन के रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ भी चीजें हैं, एक्सपीरियंस अप्रूव्ड हुआ नहीं हुआ, आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हुए नहीं हुए, वो चीजें वहां पर दिखाएगा। एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर जाने के बाद वहीं पर नीचे जाओगे आखिरी में स्क्रॉल करते हुए तो वहां पर लिखा आता है टेंटेटिव स्कोर, वहां पर भी आपको मिल जाता है, वरना बाहर भी ऑप्शन दे रखा है टेंटेटिव स्कोर चेक करने का। अगर आप अंदर जाते हैं नीचे आखिरी में स्क्रॉल करते हुए तो आपको टेंटेटिव स्कोर का आखिरी में ऑप्शन मिल जाता है और कौन सी भर्ती के लिए आप देखना चाह रहे हैं उस भर्ती को आपको क्लिक करके वहां पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसी का आपको टेंटेटिव स्कोर दिख जाएगा। अगर मेरा भाई ग्रुप एप्लीकेशन स्टेटस में कोई आपके डॉक्यूमेंट को लेकर कोई भी रेड चिन्ह बनकर आ रहा है, आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपकी 10वीं की सर्टिफिकेट है मान के चलो या 12वीं की सर्टिफिकेट है, वो अच्छे से क्लियर वहां पर साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रही, आपके नंबर वगैरह धुंधली आ रही है, तो आपका वहां पर वो अप्रूव्ड नहीं होगा, वो रेड कलर का उसके ऊपर लिखकर आ जाएगा दिस फोटो फलाना, ये इसमें इशू है, तो आप दोबारा से इस फोटो को अपलोड कीजिए। तब आपको क्या करना पड़ेगा, जनरेट रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा कि सर मेरा डॉक्यूमेंट में दोबारा से सेंड कर रहा हूं, मेरी जो यहां पर जनरेट रिक्वेस्ट में आप डालेंगे तो आपको दोबारा से अपलोड करके वहां पर आपको वो सबमिट कर लिया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सारी चीजें हो जाएंगे। तो अपना चेक स्टेटस भी एक बार जरूर करें और जनरेट रिक्वेस्ट के द्वारा आप कोई भी डॉक्यूमेंट को दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट वहां पर कर सकते हैं। ये चीजें तो हो गई, इसके आगे आपको बता देते हैं कि जो मेन मुद्दा है कि जो स्कोर कार्ड है वो किस प्रकार से चेक होता है वो भी आपको पता चल गया। चेक स्टेटस पर जाना है, आखिरी के एंड में आप स्कोर करते जाएंगे ऊपर इसको, तब आपके यहां पर टेंटेटिव स्कोर लिखकर आएगा, टेंटेटिव स्कोर के लिखने के वहां पर क्लिक करना, जिस भर्ती का आपको चाहिए उस भर्ती को सेलेक्ट कर लेना, वहां पर आपको दिखा देगा। अगर कोई डाउट रहता है, कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके बता देना, टेलीग्राम पर मैसेज कर लेना, आपको पूरा फिर से बता देंगे, कोई भी किसी प्रकार का पैसा लगने वाला नहीं है, हर एक जानकारी आपको, हर एक डाउट के जो भी होंगे आपके सब क्लियर करेंगे। ओके, इसके आगे जो भर्तियों के जो स्कोर बन रहे हैं वो एक बार आप चेक कीजिए कि आपका भी स्कोर इतना बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ओके,
आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, ये अपडेट आप सभी के सामने रहने वाला हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर, जिसके अंदर मेरा भाई रहने वाला है एक, जिसने नवदुल्ला जिसने मेरे पास में जारी किया था, आपने बताया था कि मेरे को जो पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं आप टेलीग्राम पर, वो सभी वहां पर पूछते रहते हैं कि सर मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, उस टाइप से उन्होंने भेजा है और मैं आपको इस बारे में जानकारी प्रोवाइड कर देता हूं। जिसका फॉर्म आपने भरा था, लैंड ऑफिसर का फॉर्म भरा था, एज स्कोर के नंबर तो मिल गए इस भाई को 15, इनकम स्कोर के नंबर मिले हैं 40, और जो आपके अदर स्कोर हैं उसके आपके डॉक्यूमेंटली वगैरह उसके मिल गए 20, और मैंने बताया था जो MMPUI जो योजना है उसके 50 नंबर, मतलब अत्योदय परिवार योजना, जिसका स्कोर मिला के 50 नंबर ये मिल गए, इसका स्कोर बन रहा है 125 नंबर। क्या इसका अभी सिलेक्शन होगा नहीं होगा लैंड ऑफिसर में? आशा तो पूरी पूरी है कि 120 नंबर के अबव जिसके नंबर आ जाते हैं ऊपर, तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। अगर भर्तियों की कंडीशन भी देखी जाती है कि कितनी पोस्टें हैं, कितनी पोस्टों के ऊपर ये सिलेक्शन दिए जा रहे हैं, तो उस भर्ती की कंडीशन देखते हुए भी तो वहां पर देखा जाता है, परंतु 125 नंबर तक इस भाई का सिलेक्शन हो सकता है आराम से, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। और आपको यहां पर एक चीज, सारी चीजें दिखाने लग गया, पहले स्कोर कार्ड आप चेक करते थे जो टोटल टेंटेटिव स्कोर दिखाता था, ये चीजें नहीं दिखाता था, अब आपके एज के नंबर दिखा रहा है, इनकम के नंबर दिखा रहा है, जो आपके डॉक्यूमेंटली स्कोर वो है, और सोशल जो स्कोर है वो दिखा रहा है, और आपका अत्योदय परिवार योजना का जो कार्ड बना हुआ है जिसके 50 नंबर मिलते हैं उसका भी स्कोर दिखा रहा है। हर चीजें आपके सामने बिल्कुल साफ साफ कर दी गई है कि कितने कितने नंबर आपको दिए जा रहे हैं। अगर आपने PN की भर्ती का अप्लाई कर रखा है तो एक बार उसको जरूर चेक करना, आप मुझे कमेंट करके बताना, अपना स्क्रीनशॉट सभी मुझे टेलीग्राम पर शेयर करना या कहीं पर भी मुझे जरूर बताना कि आपके कितने कितने नंबर जुड़ पा रहे हैं। अगर आपको नहीं देखना आता है PN का स्कोर कार्ड का तो मुझे एक बार टेलीग्राम पर जरूर मैसेज करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैं आपका निकाल कर दूंगा, पूरा आपको टेंटेटिव स्कोर बन रहा होगा वो आपको बताएंगे। ओके, इसके आगे जो दूसरा एक भाई रहता है उसका नाम है मनोज कुमार, जिसने फॉर्म भरा था सफाई कर्मचारी का, ये सफाई कर्मचारी का जिसका स्कोर नंबर मिला है 10, इनकम नंबर मिल गए 40, उसको टोटल नंबर मिल रहे हैं 50, क्या इसका सिलेक्शन हो पाएगा? भाई मेरे हिसाब से सिलेक्शन तो आपको क्या बताऊंगा, अब आपको नाराज भी नहीं कर सकते, परंतु मैं जो साफ सुथरी बातें होती है वो बताऊंगा, 50 नंबर में हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि भाई आप कुछ भी चीजें मानिए, बाकी यूट्यूबर्स आपको कुछ भी बताते हो, परंतु जहां यह जो चीज बताई जा रही है जेन्युइन चीजें बताऊंगा, जो भी चीजें बताऊंगा रियल जानकारी के साथ में आपको रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि 50 नंबर में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, जिसके अंदर आपको 50 नंबर ये भी चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंटली नंबर चाहिए, सोशल नंबर भी हो सकते हैं, तो जो भी चीजें आपके पास में उसके नंबर आपको अनिवार्य है। ओके, इसके आगे हम एक दूसरा और देख लेते हैं जो आप सभी के सामने, मैं फिर से जूम कर देता हूं, राहुल भाई रहता है सफाई कर्मचारी का, जिसने नंबर आपके मिल रहे हैं, एज के नंबर तो मिले हैं 5, इनकम के नंबर मिले हैं 40, इसके पास में भी सोशल नंबर भी नहीं है, डॉक्यूमेंटली नंबर भी नहीं है, परंतु इसके पास में 50 नंबर ये मिल जाते हैं आपके अत्योदय परिवार वाले, और इसको नंबर हो जाते हैं 95 नंबर पर। इसकी आशा हम कर सकते हैं कि सफाई कर्मचारी में इसका कम से कम आप ये चीज मान के चलो 40% तक ही नंबर मानेंगे, 40% तक इसकी आशा है, बाकी इसके ऊपर आशा नहीं रखी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इतने हाई स्कोर वाले बच्चे बैठे हुए हैं जिसके 120, 125, 115 नंबर आ रखे हैं, तो 95 नंबर वालों का कुछ हम सस्पेंस में रख सकते हैं, 40% तक हम इसकी सोच सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं भी होगा, 50-50 काम है इस भाई का। ओके, इसके आगे हम बात करेंगे कि दूसरा जो आपका रहने वाला है ओम पाल रहने वाला है, कोई टैक्स इंस्पेक्टर का फॉर्म लगाया था, जिसके नंबर मिल रहे हैं 130, आप सभी देखिए नंबर तो ये है, एज स्कोर के 15 है, इनकम स्कोर के 40 है, डॉक्यूमेंटली 20 है, सोशल के 5 है, अत्योदय परिवार योजना के 50 है, 130 नंबर हो गया, 130 नंबर वाले का आराम से सिलेक्शन होगा, किसी भी भर्ती के अंदर अप्लाई करेगा तो 130 नंबर इसको मिलने हैं, हर टाइम मिलने हैं। तो भाई और बहनों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर अगर आपका स्कोर 120 या 115 से नीचे बनता है तो आप बिल्कुल आराम से बिल्कुल ये चीजें सोचिए कि आपका नंबर आएगा, 50-50 चांसेस है। अगर आपके 115 120 नंबर से ऊपर नंबर जुड़ रहे हैं तो आपका नंबर आ सकता है, 80% तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती है, तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछिए, कमेंट करके पूछिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, जो भी आपका डाउट रहेगा उसके बारे में बताएंगे। और किसी को स्कोर कार्ड चेक करना नहीं आता
है तो वो भी बता सकता है बिल्कुल आराम से, हर एक जानकारी हर एक नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जानकारी भी आपको किस टाइप से रही, अगर आपको भी आपके बारे में ये चीजें पूछनी है कि आपका स्कोर इतना जुड़ रहा है, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इस प्रकार से जो भी आपको जानकारी पूछनी है तो बिल्कुल आराम से टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है उस चीज से। जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।